बेलगाम मर्दानगी। मामा की नज़र उस पर पड़ी तो माँ गुस्से में उठी और उसे चप्पलों से मारने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों जन्मों का गुस्सा भरा है माँ के अंदर। जो चप्पल अभी जुड़ा कर लाई थी उसी से उसे मारते मारते उसे दोबारा तोड़ दी और बोली, बता वो कहाँ है। मेरा नाम है मेहरुन्निसा और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये कहानी है सरिता की। सालों पहले मेरे पिता मेरी माँ को खाली हाथ और गोद में हम दो भाई बहनों को छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने सब कुछ बेच दिया, हमारी दुकान, हमारा घर, यहाँ तक कि माँ के गहने भी, बिल्कुल खाली हाथ। मेरी माँ हम दोनों भाई बहन को लेकर नानी के घर चली आई। जब हम अपनी माँ से पूछते कि माँ पापा कहाँ हैं, तो माँ कहती, बेटा वो बैराग हो गए हैं। जब हम पूछते कि माँ ये बैराग क्या होता है, तो मेरी माँ कोई जवाब नहीं देती और उसकी आंखें झरने की तरह बहने लगती। फिर मेरी नानी हमारे सर पे हाथ रख देती और हमें ढेर सारा प्यार करती, कहती तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ नानी के जीते जी। हम नानी की ये बात सुन के खुश हो जाते और अपने खेल कूद में लग जाते। दिन महीने साल गुजरे, पापा लौट कर नहीं आए। हम नानी के यहाँ ही बड़े हो गए और पढ़ लिख गए। भाई नौकरी पे लग गया और मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे। मैं भी नौकरी कर रही थी, पर हमारे यहाँ लड़कियों की शादी पहले करते हैं तब बहू लाते हैं। महीनों लड़का ढूंढा मेरे मामा ने, तब उन्हें उनके किसी दोस्त ने एक रिश्ता बताया, मगर वो दूर एक छोटे शहर से था। मैंने झट से हाँ कर दी। मामा ने कहा कि अरे लड़के को देख तो ले। मैंने कहा, मामा आपने देख लिया बस काफ़ी है, और कहकर मैं वहाँ से उठकर चली आई। मामा ने माँ से कहा, अरे क्या हो गया इसे। माँ ने कहा, बच्चे बिन बाप के बड़े होते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं, तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। माँ ने कहा, आप हाँ कर दो भैया। मामा ने लड़के वालों से हाँ कर दी। उस वक्त उन लोगों को भी बहुत जल्दी थी। उन्होंने कहा कि हम हफ्ते के अंदर आएंगे और लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर लिए तो सगाई करेंगे और शादी का दिन भी उसी दिन तय करेंगे। हम इंतज़ार करने लगे, वो हफ्ते के अंदर ही धमक पड़े। जब लड़के वाले घर आए सगाई करने, तो उनके साथ एक भी औरत नहीं थी, चार पांच मर्द थे और सारे के सारे जवान। मेरी माँ तो एकदम डर गई कि ये कैसा रिश्ता है, ना कोई औरत है ना कोई बूढ़ा है, सारे के सारे लड़के रिश्ता करने चले आए। भैया ये कैसा रिश्ता ढूंढा है आपने। फिर मामा ने कहा, अरे नहीं नहीं, दो लोग तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने रिश्ता कराया है, और एक लड़का प्रदीप है और ये लड़के के पिता हरीश जी हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों के साथ कोई औरत नहीं आई, क्यों। मामा ने भी यही सवाल किया, तो मामा के दोस्तों ने बताया कि उनकी बीवी जो है बेचारी के एक हादसे के दौरान उनके दोनों पैर चले गए, तब से बीमार है बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो जल्दी से सगाई करके जल्दी से शादी करना चाहते हैं, ताकि घर में उनके पास कोई औरत रहे। बेटियां हैं नहीं, एक ही लड़का है, उनके पास कोई रहेगा तो शायद जल्दी से ठीक हो जाएं। और बाकी दूर इतना था तो कोई बूढ़ा आदमी या औरत ना आ सकी। तब मामा को तसल्ली हो गई। लेकिन माँ लड़के के पिता को देखकर बड़ी हैरान हो रही थी, क्योंकि लड़के और लड़के के पिता में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। पिता से ज़्यादा तो वो दोनों जुड़वा भाई लग रहे थे। वो इतने जवान और तंदुरुस्त थे कि माँ को हैरत हो रही थी कि अपने पिता हैं या कोई और। तो माँ ने पूछ ही लिया कि आपका ये सगा बेटा है। माँ का सवाल सुनकर सब हंस पड़े। मामा के दोस्तों ने कहा, अरे ये हमारे गाजियाबाद के हरीश पहलवान हैं, इनके किस्से सुन सुनकर ही तो हमारे पूरे गाजियाबाद में कसरत करने की लहर दौड़ गई है। ये कसरत सिखाते भी हैं और सबको सेहतमंद रहने की सलाह भी देते हैं। पहले तो ये फौज में थे, फिर जब से इनकी बीवी के साथ
वो हादसा हुआ, तब से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, फिर ये फौजदारी छोड़कर घर आ गए। और अब कसरत और सेहत बस यही सिखाते हैं और करते हैं। आप गाज़ियाबाद आएंगे कभी तो इनके नाम के अखाड़े देखेंगे हर जगह। अब हरीश जी तो फौज में थे, ये सुनकर माँ और मामा को एकदम इत्मीनान आ गया, तो उन्होंने कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा और सगाई हो गई। 3 महीने बाद ही शादी का दिन भी रख दिया गया। प्रदीप जाते जाते अपना फ़ोन मुझे पकड़ा गए, मैं ले नहीं रही थी तो माँ ने कहा ले लो, तो फिर मैंने लेकर रख लिया। अब रोज़ प्रदीप ऑफिस से निकलते ही मुझे फ़ोन करते और बात करते। बातें करते करते 3 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। प्रदीप अब अजनबी नहीं थे मेरे लिए, इतनी बातें कर चुके थे हम दोनों। मेरे घर में क्या बना है से लेकर उनकी माँ ने क्या कहा तक हम दोनों को पता रहती थी। इन 3 महीनों में कई बार प्रदीप मुझसे मिलने आए थे, बहुत बार उनकी माँ से भी बात हुई थी, मेरी माँ ने भी बात की थी। शादी को 1 हफ्ता रह गया था तब उनकी माँ हमारे यहाँ आई थी। बेचारी व्हीलचेयर पर बैठी थी, उन्हें देखकर बड़ी दया आई थी। माँ जी ने मुझे बहुत प्यार किया था, बड़े सारे तोहफे भी लाई थी। मेरी माँ बहुत खुश थी कि अच्छा नसीब होगा मेरी बेटी का। अब शादी का वो दिन भी आ गया और शादी भी हो गई। मैं जब अपने ससुराल गाज़ियाबाद पहुँची तो मेरी सास ने मेरे हाथ में पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी और यहाँ तक कि तिजोरियों की चाबी भी, और कहा अब तुम ही ख्याल रखो घर का। मैं तो बीमार ही रहती हूँ। हंसते खेलते उस घर में 6 महीने निकल गए और पता भी नहीं चला। मेरे ससुर की लोग बड़ी इज्जत किया करते थे, जवान हो या बूढ़ा सबको वो सेहत सही रखने की सलाह देते थे। उनकी ज़्यादातर दोस्ती जवान लड़कों से रहती क्योंकि कसरत करने की चाहत जवान लड़कों को ज़्यादा रहती है। मेरे ससुर और मेरे पति एकदम सुबह ही उठ जाते और पहले कसरत करते तब नाश्ता करते। मेरे पति काम पे चले जाते और मेरे ससुर जी ने अखाड़ा खोल रखा था अपने घर के पीछे, वो पूरा दिन उसी में रहते। आते माँ के पास बैठते, दिन का खाना खाते माँ जी के साथ ही करते और फिर अखाड़े में चले जाते। वक्त गुजरता गया, मैं घर में बहू से छोटी मालकिन बन गई। दो नौकरानी थी, वो अपना काम करके चली जाती। सारा दिन मैं और माँ जी गप्पे हाँकती। फिर एक दिन सुबह जब मैं माँ जी के कमरे में गई तो माँ जी सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने कसरत कर रहे ससुर जी को और अपने पति को आवाज़ लगाई, वो लोग जल्दी से आए और मेरे पति डॉक्टर को फ़ोन लगाने लगे। जब तक मेरे ससुर जी ने मेरी सास को एक ही हाथ से उठाकर ले भागे डॉक्टर के यहाँ, मैं देखती रह गई। मैं और मेरे पति भी भागे उनके पीछे पीछे। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, मेरी सास को जल्दी से ऑक्सीजन लगाई गई पर जब तक बहुत देर हो गई थी, वो बच नहीं पाई, उनका देहांत हो गया। पूरा घर गम में डूब गया। कई महीनों तक ससुर जी मेरी सास के बिस्तर पर ही पड़े रहे, वो रोते नहीं बस खामोश पड़े रहते, ना अखाड़े जाते ना किसी से मिलते। कोई उनको मिलने आता तो मुझसे मना करवा देते। मेरे पति भी दुख में रहते पर वो थोड़ा संभल गए थे, लेकिन ससुर जी संभल नहीं पा रहे थे। कैसे संभलते उनका जीवन साथी जो चला गया था। जब कई महीने हो गए तब मेरे पति ने कहा अपने पिता के पास जाकर, माँ को खो चुका हूँ, आपको खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तब मेरे ससुर जी को शायद बेटे के प्रेम ने आवाज़ दे दी और वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस दिन बहुत रोए और बोले कि तू मेरी दुनिया है बेटा। बाप बेटे का वो प्रेम मैंने कभी देखा ही नहीं था। मेरे पिता तो बचपन में ही हमें अपने होते हुए अनाथ कर गए, तो बाप का दुलार भला मैं क्या जानूं। फिर उस दिन के बाद मेरे ससुर पहले की तरह ही सुबह उठते और अपने काम में लग जाते। 6 महीने हो गए थे, सब पहले जैसा हो गया। फिर एक दिन मैं माँ जी के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी ससुर जी आए और मुझे बोले इस कमरे को ताला लगा दो,
मैं अब इस कमरे में नहीं सोऊंगा। मुझे ये सुनकर अजीब लगा। मैं तुरंत बोली, क्यों बाबूजी? वो बोले, जितना बोला है उतना करो। अजीब बात है, इससे पहले ससुर जी ने इस तरह बात मुझसे कभी नहीं की थी। मुझे लगा शायद मूड खराब होगा इसलिए बोल दिया होगा। मैंने कमरे को ताला नहीं लगाया क्योंकि मेरे पति रोज उस कमरे में अकेले एक घंटा बैठा करते थे। शाम को ससुर जी आए तो जोर जोर से डांटने लगे, सरिता तुमको बोला था कमरे को ताला लगाओ, तुम सुनती क्यों नहीं हो? तभी उस कमरे से मेरे पति बाहर आ गए। बोले, क्यों पिताजी, क्यों ताला लगवा रहे हो? वो बोले, बस लगा दो, मैं दूसरे कमरे में रहूँगा, बोलकर बाहर चले गए। अजीब बात है, कभी शाम को बाहर नहीं जाते, अब देर में घर आते हैं। क्या हो गया है बाबूजी को? प्रदीप अपने सर पर हाथ रखकर आंगन में डले चारपाई पर बैठ गए। उस दिन वो बैठे बैठे बाबूजी का इंतज़ार करने लगे कि आएंगे तो मैं बात करूँगा। प्रदीप इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते देर हो गई तो प्रदीप ने उस बीच कई बार फोन भी किया लेकिन बाबूजी ने फोन काट दिया। जब बाबूजी आए तो बड़े खुश थे और कोई गाना गुनगुनाते हुए घर में दाखिल हुए। प्रदीप और मैं, हम दोनों ने बाबूजी को इस तरह कभी नहीं देखा था। वो अपने टाइम टेबल के बड़े पाबंद थे, फौज में रहे हैं तो उनको टाइम को बर्बाद करने वाले बड़े बुरे लगते थे और वो खुद भी 8 बजे सोने वाले और सुबह 4 बजे उठने वाले। क्या हो गया था? उनको अजीब आशिक सा हाल कर रखा था। शायरी पढ़ने लगे, गीत सुनने लगे, अखाड़े बस खुद की कसरत के लिए जाते। अब लड़कों को कोई ट्रेनिंग नहीं देते थे, सारा दिन बस फोन पर लगे रहते। दो दुकानें चल रही थी, वहीं कभी कभी चले जाते थे। कसरत करने के बाद नहा धोकर खुशबू लगा कर कहते, जा रहा हूँ दुकान, और निकल जाते। ना दोपहर का खाना खाने आते, ना हमसे ज़्यादा बात करते। एक दिन प्रदीप घर पर ही थे, तभी दुकान से लड़का आया। बोला, भैया मैं हिसाब के पैसे देने आया हूँ, 1 हफ्ते से मालिक दुकान पर नहीं आए, तो मैं सोचा खुद ही चल कर दे आऊँ। प्रदीप खामोशी से पैसे ले लिए। पैसे देखे तो वो बहुत कम थे। बोला, ये तो बहुत कम है। लड़का बोला, एक दुकान से इतना ही आता है भैया। प्रदीप बोला, एक दुकान? लड़का बोला, हाँ एक दुकान तो बेच दी ना आप लोगों ने। क्या भैया, ऐसा बोलकर वो निकल गया। प्रदीप बुत बना बैठा सोचता रह गया। तभी काम वाली आई, बोली, अरे भैया आज आप इस वक्त घर पर ही हो? प्रदीप बोला, हाँ घर पर ही हूँ। फिर वो भावें चलाती हुई बोली, या फिर नहीं, और फिर चुप हो गई। मैं पूछने लगी, बोल क्या बोल रही थी, चुप क्यों हो गई? प्रदीप भी बोले, क्या बात है, कुछ बोलना चाहती हो तो खुलकर बोलो। तब वो मुस्कुराती मुस्कुराती बोली, क्यों आप लोगों को नहीं पता जो मुझसे पूछ रहे हो? नई माँ आने वाली है। आप लोगों की ये सुनकर तो हम दोनों को सब समझ में आ गया कि बाबूजी का रवैया इतना क्यों बदला हुआ है। फिर प्रदीप और मैं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, वो तो अभी खूब तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और जवान भी दिखते हैं, तो क्या बुराई है? अगर उन्होंने कोई जीवन साथी ढूंढ लिया है तो हमने फैसला किया कि बाबूजी की शादी कर देंगे। जब शाम को बाबूजी घर आए तो हमने बात की। उनको बोला कि हमें सब मालूम है, अगर आप चाहें तो हम रिश्ता लेकर उनके घर चलेंगे। तो ससुर जी बहुत खुश हो गए। बोले, वो अकेली है बेचारी, ने भाई बहन को पालते पालते खुद ही कुंवारी रह गई। एक विकलांग लकवाग्रस्त भाई है, उसी की सेवा करती है, मेरी उम्र से कुछ 1-2 साल ही छोटी होगी। उसने अब तक शादी नहीं की है और अभी कुछ महीने पहले ही वो गाज़ियाबाद आई है, इधर ही रहती है। उसके कुछ रिश्तेदार हैं यहाँ, वो भी कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। तो ठीक है, फिर एक काम करो बहू, तुम अपनी माँ और मामा को यहाँ बुला लो और फिर चलेंगे उसके घर रिश्ता करने। मैंने झट से फ़ोन उठाया और माँ और मामा को बताया।
और उन्हें बुला लिया। वो लोग भी खुश थे, अगले दिन ही मेरे ससुराल पहुंचे। फिर हम लोग उसके दूसरे दिन लड़की यानी मेरी होने वाली सास के घर रिश्ता लेकर निकल गए। उसके घर के पास पहुंचे तभी माँ की चप्पल टूट गई। मामा ने कहा, तुम लोग अंदर चलो, तब तक मैं दीदी की चप्पल ठीक करा के उनके साथ आता हूँ। फिर मैं, प्रदीप और बाबूजी, हम लोग सब साजो सामान लेकर उसके घर के अंदर दाखिल हुए। उसके घर में तो तीन औरतें थी और एक आदमी जो लकवाग्रस्त था, जिसका मुंह टेढ़ा था, उसे अपना बड़ा भाई बता रही थी। लेकिन जैसे ही बोली वो कुछ तोतली आवाज में इशारा करने लगा, हाथ भी पटकने लगा। वो उसे अंदर के कमरे में लेकर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी कि इसकी वजह से ही मैं शादी करने से कतराती हूँ। फिर बाकी सबसे परिचय कराने लगी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे वे अपनी बुआ बता रही थी। एक उसी के बराबर अधेड़ उम्र की औरत थी जिसे वो खुद की बहन बता रही थी। फिर उसने बाबूजी से पूछा कि बाकी लोग भी तो आने वाले थे, वो लोग नहीं आए हरीश जी? बाबूजी ने कहा, आ रहे हैं, अभी उनकी चप्पल टूट गई थी तो वही ठीक करवा कर आ रहे हैं। तो वो बोली, अच्छा तो जब तक आप लोग तो पानी पियो, मीठा खाओ, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो हम सबके लिए चाय बनाने चली गई जब तक माँ और मामा चप्पल ठीक करा कर आ गए, तो वो लोग भी बैठे और पानी पिए। बातचीत चल ही रही थी। बूढ़ी बुआ बखान खोले बैठी थी, हमारी शन्नों ने कभी मर्दों को अपने करीब नहीं आने दिया, बेटा बनकर सारी जिंदगी रह गई, पर अब जब सारे भाई बहन को पाल पोस कर उनके अपने घर कर दिया तो इसे भी तो कोई चाहिए जो इसकी तन्हाइयों का साथी बने। कब तक ऐसे अकेले ही रहेगी? अब हरीश बेटा, तुम जल्दी से शन्नों को अपने घर की कर लो। माँ बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कौन है वो दिलेर औरत जिसने अपनी सारी जिंदगी भाई बहन के नाम लिख दी। उधर ससुर जी खुश मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी शन्नों चाय लेकर आई। उसने माँ को देखा, अभी माँ की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। माँ को देखकर घबराहट में उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर गई। तभी मामा की और माँ की नज़र उस पर पड़ी तो माँ गुस्से में उठी और उसे चप्पलों से मारने लगी। ऐसा लग रहा था जन्मों जन्मों का गुस्सा भरा है माँ के अंदर। जो चप्पल अभी जुड़ाकर लाई थी उसी से उसे मारते मारते दोबारा तोड़ दी और बोली, बता वो कहाँ है? सब रोकते रहे। हम लोग हैरान, आखिर माँ को क्या हो गया है? वो इस औरत को कैसे जानती है और ये किसके बारे में पूछ रही हैं? हम लोग हैरान परेशान, हम लोगों के मन में हजारों सवाल। लेकिन माँ तो एकदम सुन ही नहीं रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मारे जा रही थी। जब माँ मार मार के पूछ पूछ के थक गई तो हमने उसे पूछा कि आखिर आप इसे कैसे जानती हैं और क्यों मार रही हैं और किसके बारे में पूछ रही हैं? माँ बोली, पहले पुलिस को फ़ोन लगाओ, ये ऐसे नहीं बोलेगी। पुलिस को फ़ोन करो, मामा फ़ोन करने लगे। तभी ससुर जी उठे और फोन छीन कर बोले, क्या तमाशा है? आप पहले हमें बताओ आप कैसे जानती हैं इनको और किसके बारे में पूछ रही हैं? तब माँ ने पहले बाबूजी से पूछा कि समधी जी, पहले मुझे ये बताइए क्या क्या बेचकर दे दिया है अब तक इसको? मेरे ससुर जी ये सुनकर सन रह गए, बोले, मतलब? माँ बोली, ये कोई शादीवादी नहीं करेगी आपसे, ये आपकी सारी दौलत लेकर फरार हो जाएगी। इसने मेरे गहने, मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरा जायदाद, यहाँ तक कि मेरा बेलगाम पति भी सब लेकर फरार हो गई। कितने सालों तक मैं इसे ढूंढती रही, मेरे बच्चे बिना बाप के पले, बच्चों को मैंने यही बताकर पाला कि इनका बाप बैराग हो गया। बता कलमोही, कहाँ है वो? इसका पेशा है बेलगाम मर्दों को
ढूंढना, उसे फंसाना और सारी दौलत लेकर फरार हो जाना। इसका पहला शिकार मेरा घर था। मैं माँ की बातें सुनकर बुत बने खड़ी रही। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी मेरे पति ने माँ की बात सुनकर पुलिस को फोन लगाने लगी। तभी वो बोली, रुक जाओ, मैं बताती हूँ वो कहाँ है। फिर उसने दरवाज़ा खोला, उस विकलांग आदमी को बाहर ले आई। बोली, ये रहा तुम्हारा पति। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए कि माँ कहती थी पापा बैराग हो गए हैं, लेकिन पापा तो इस औरत के साथ हैं। हजारों सवाल थे मेरे मन में। उधर माँ गुस्से में उस विकलांग आदमी को देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो आदमी भी माँ को देख अपने कांपते हाथों को जोड़कर सर झुकाए हुआ था। माँ के सामने ये सब देखकर और सुनकर मेरे ससुर को इतना धक्का लगा, वो एकदम सर पकड़कर बैठ गए। इतने दिन से इसे भाई बता रही थी, ये मेरा समधी है, क्या करने जा रहा था मैं। तब मेरे ससुर ने पुलिस को फोन लगा ही दिया। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। उसने ऐसे कई घर लूटे थे और जो मर्द उसका पीछा नहीं छोड़ते थे उन्हें ये दवा खिला खिला कर मार देती थी। पता नहीं मेरे पिता बच कैसे गए, दवा तो उन्हें भी खिलाया था उसने। खैर, बेलगाम मर्दानगी की यही सज़ा होनी चाहिए। कहानियाँ हमारे जीवन के अनुभवों से मिली होती है। और आज की कहानी में आप लोग बताइए कि सरिता की माँ को अपने पति को माफ़ करना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा। चलते चलते मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देती हूँ कि पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।